भाई थोड़ा इस बारे में बात करते हैं चलो जो अपकमिंग फिटनेस यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स हैं उनका क्या फ्यूचर है अभी इस लाइन में जो लोग घुसना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं मैं मानता हूँ यार अभी ऑडियंस फिटनेस इंडस्ट्री जो है ना सैचुरेट हो चुकी है कॉन्टेंट आप कॉन्टेंट उठा के देख लो फिटनेस इंडस्ट्री का सारे आपको एक ही चीज़ करते मिलेंगे हाँ हर कोई सेम ही चीज़ बता रहा होता है सेम ही चीज़ कर रहा है नहीं कर रहा बिल्कुल ये मैगी क्यों पिकअप हुआ कुछ डिफरेंट डिफरेंट था नहीं था तो अगर आप मुझसे पूछो कि यार फिटनेस इंडस्ट्री में क्या होगा कंटेंट का क्या होगा देआर ऑल डूइंग द सेम स्टफ़ यार सब एक ही चीज़ कर रहे हैं मेरे भाई साहब मेरे ये मेरी बॉडी मेरे बैग मेरा डोला मेरे ऐप्स मेरे ये मेरा वो क्या होगा उससे और आपको एक बात बताऊँ जो नॉर्मल जनता है ना उनको एक डोले शोले पसंद नहीं आते भाई अब नहीं पसंद आते आप YouTube का Instagram का एल्गोफिन देख लो पहले लड़कियाँ के जो बूब्स दिखाती थी अपने बट्स दिखाती थी लोग देखते थे अब वो भी नहीं देखते वो उन्हें चाहिए रियल कॉन्टेंट भाई मे को तो, तो देख रहे हैं अभी भी हा? बहुत लोग देख रहे हैं जो आप कह रहे हो यही देख रहे हैं मेरे साथ देख तो, साथ रहे, हैं, देख तो रहे हैं अभी भी है जनता वो देखने वाले। नहीं, नहीं अगर आप मास्क की बात करो बॉडी बिल्डिंग में लोगों को लगता है कि यार ऐसे यार तो इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे मुझे ऐसे डोले अरे यार मुझे तो साइकिल लेनी पड़ेगी तो आप इमीजिएटली आपका डिस्कनेक्ट है आप देखो ना व्यूज देखो ना आप फिटनेस के बॉयज का हो सकता है कि ये जो आप कह रहे हो सैसुरट हो गया इंस्टाग्राम पे लड़कियों का तो चल रहा है भाई इंस्टाग्राम पे बताओ

लेकिन आप लोग देखते हैं माधुरी दीक्षित की अदाएँ जिस तरीके से वो करती थी राइट शी वॉज सेंशुअस यार लोग देखते थे पसंद करते थे कि यार इमेजिनेशन शी सो हॉट यार भाई अभी हम कुछ टाइम पहले रेवेन्यू की बात कर रहे थे आपकी नीचे ऑडी और गुट पे रोली तो मैं जानना अभी आपने डिस्कवरी भी निकाली है, है। और गुची की टी शर्ट तो है ही तो काफी आप लोडेड हो तो मैं थोड़ा आपके सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू इनकम बता दो एक अमाउंट आप बता सको और सोर्सेज भी भाई क्योंकि इंटरव्यू आप वीडियोस करते हो लेकिन उसके अलावा भी कोई बिजनेस है या क्या सीन क्या चल रहा है लाइफ में चलो मैं बताता हूँ आपको देखो यार मेरी बैकग्राउंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की है okay. आपको शायद पता नहीं पता हो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर था मैं सेंट स्टीफन कॉलेज का पढ़ा हूँ डी यू वहाँ से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स करी उसके बाद मैंने जर्नलिज्म करा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म जहाँ से मेरी स्पीकिंग स्किल्स और ये सब होंगे राइट उसके बाद मैंने बाहर से एम बी ए कराया मार्केटिंग मैनेजमेंट में टू मार्केट पीपल फिर मैंने काम किया जी ई में मार्केटिंग मैनेजर फिर मैंने काम किया है आई बी एम में मैं मार्केट कर रहा था सॉफ्टवेयर्स को फिर मैंने काम किया है मेट लाइफ में मैं मार्केट कर रहा था इंश्योरेंस को फिर मैंने काम किया एच एस बी सी में जहां मेरा इन्वेस्टमेंट बैंक का कि मैं लोगों को पता था यहाँ धंधा लगाओ पैसा लगाओ यहाँ पैसा बनेगा hmm. तो पैसा बनाना मुझे आता है ठीक है ये मैंने इस्टेब्लिश कर दिया अब रहा सवाल कि मैं पैसे कैसे बनाता हूँ तो यूट्यूब इज़ नॉट माई सोर्स ऑफ इनकम AdSense से आप वर्ल्ड में तो तो गुची की पहन लूंगा ऑडियो चला लूंगा बोलो भाई इंडिया में ये, ये कर दो भाई इंडिया में क्योंकि हमको भी पता है क्या है तो मैं मेरी जो बैकग्राउंड रही है वो रही है कंपनी बनाता हूँ और बेच देता हूँ एक से दो साल के अंदर अंदर आई एग्जिट एंड आई मेक माई मनी एंड आई गो ऐसे मैंने तीन चार कंपनी सेटअप करी पैसा बनाया निकल गया एंड एंड दो आज की दो कंपनीज है जो मेरा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर के साथ नॉन डिस्कलोजर एग्रीमेंट है कि जिसमें मैं उनके एडवाइजरी बोर्ड में हूँ एडवाइजरी बोर्ड इज़ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी डिसीजन लेती है रियाज की हूँ और मेरी एक मंथली इनकम आती है उससे एज अ बोर्ड तो ये मेरा अलग बिजनेस है मतलब बट mm -hmm. इंटरनेट इज माई सीरियस बिजनेस देखो वो तो मैंने करा है पंद्रह साल hmm. वो जो उसका मैं खा रहा हूँ दिस इज सीरियस बिजनेस में इंटरनेट मैं कोई भी स्टोरी डालता हूँ कोई भी पोस्ट करता हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ hmm. मैं कोई नाचते हुए कोई स्टोरी नहीं डाल दूंगा hmm. मैं आज आपके पास आया हूँ गूची पहन के ऑडी में ये सब इट्स अ गेम ऑफ प्रोजेक्शन की जो मेरा लाइफ है वो है भाई वैसे बेहतर कौन सी है, है, फिर जो आपने दोनों है।, है। अपनी मेहनत की दोनों अच्छी लगती है <laughs> देखो लोग जो है ना आपको गेज करते हैं आप जिस तरीके से दिखते हो hmm. आप क्या कपड़ा पहनते हो आप क्या गाड़ी चलाते हो क्यों बिकॉज उन्हें लगता है कि यार ये एक यूट्यूबर था जो आज ऑडी चला रहा है गुची पहन रहा है रोलेक्स की घड़ी पहन रहा है कनेक्ट विथ सक्सेस और कई उसमें हरामी भी होते हैं जो जलते हैं राइट वो अलग है राइट <laughs> बट right? वो ज्यादा है वो है ना ज्यादा जलते हैं बाकी इंस्पायर हो जाते हैं यार्ट <laughs> क्रिएटर अगर मैं यार आपके डंके की चोट पर बात बोलता हूँ रेवेन्यू की बात करूँ ना अगर आप इस, इस बिजनेस को ढंग से कर लो सीरियसली आप एक साल में दो मिलियन डॉलर कमा सकते हो विच इज इक्वल टू थर्टीन टू फोर्टीन करोड़ और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं मैंने ये करा है यू कैन फक डू दिस अगर आप इस बिजनेस को एटसेंस से तो ऑबियसली नहीं कमाओगे आप इतना हम uh -huh. uh, मतलब ब्रांड डील्स जो आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आप योर इमेजिनेशन इज योर ओनली लिमिटेशन आप जो सोच सकते हो ना प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि हमारे फॉलोअर्स है ना लोग आएंगे हमारे पास कोई नहीं आता भाई किसी के पास मुझे आज भी जाना पड़ता है ब्रांड्स के पास मुझे कोई शर्म नहीं है मुझे कोई ईगो नहीं है भाई मैं आज भी उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ जो मैं पांच साल पहले कर रहा था भाई ये चीज तो है आगे बढ़ने के लिए तुमने शर्म हटा दी फिर तुम आगे बढ़ दा भाई भाई दा मेरे, मेरे लाइफ में सिंपल फंडा रहा है मैं सेल्स का आदमी हूँ और सेल्स के आदमी को एक चीज सिखाई जाती है भाई ना से नहीं डरना ये मैंने बचपन में सीख लिया था मेरे को एक लड़की से बहुत पसंद थी बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना बहुत मैं अट्रैक्टेड था उसको लेके बट उसने मुझे मना कर दिया मेरा बड़ा दिल विल टूट गया तो मेरे साथ में जो एक होता है ना स्कूल में जो गुरु होते हैं जो बताने वाले होते हैं उन्होंने मुझे एक बात बोली लाइफ में क्या तरुण लाइफ में आगे बढ़ना ना ना की आदत डाल ले एक ना बोलेगी दो ना बोलेगी तीन ना बोलेगी दस में से एक तो हाँ बोल देगी तू तो ना सुनने के लिए जा अपनी तो फिलॉसफी है भाई हम तो ना सुनने के लिए जाते हैं ना बोल दो भाई चाहे वो लड़के हो हम लकी कि मैडम ने हाँ बोल दी बट ज्यादातर जब आपका ये फिलोसफी होगी ना कि उसने ना ही बोलनी है आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा अरे यार अगर इसने ना बोल दी तो क्या होगा लड़की को मैं प्रपोज करूँ लड़के होते ना कि यार ना भाई ना तो अगर आज आपकी पहली गर्लफ्रेंड है उससे मना करी तो क्या शादी नहीं करोगे क्या आप दूसरी से ना की आदत डाल लो भाई आज भी मैं ब्रांड्स के पास जाता हूँ उनको बोलता हूँ कि आई कैन एड वैल्यू टू योर कंपनी आई कैन आट आई कैन डू दिस आज भी मुझे उन्हें पाँच चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि मैं वन टू थ्री फोर ये मेरे डिलीवरेबल्स हैं मैं ये ये करूँगा आपके लिए जैसे बिग मसल है अब बिग मसल मुझे कहता है कि यार मेरे को ये protein प्रोटीन प्रमोट करना है क्रिएटर्स क्या करते हैं ठीक है सर मैं एक वीडियो डाल दूंगा मेरे को अमाउंट दे दो आप जो भी अमाउंट है मैं ऐसे नहीं करता आप मुझे प्रोडक्ट दो आपको क्या चाहिए सेल्स मैं आपको सेल्स दूंगा मुझे कमीशन नहीं चाहिए मैं तब तक वीडियो डालता रहूंगा जब तक उनको वो सेल्स का आउटपुट नहीं आ जाएगा चाहे जा वो एक हो दस हो पंद्रह हो मुझे फर्क नहीं पड़ता उसी अमाउंट में इसको कहते हैं वैल्यू देना